अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम लोग बनाने लगे आज एक ईद वाला ब्लॉग। सबसे पहले तो आप सब लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और जी, ये हो चुकी है आपकी बहन लश्मी तैयार, उम्मीद है ईद अच्छी गुजर रही होगी। सो अभी मैं जा रही हूँ शूट पे, और ये मैंने बाल कर्ल्स किए थे अपने जो के खुल गए, बट इट्स ओके, इसमें भी अच्छे लग रहे हैं। तो जी, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे, मैसेजेस आए थे कि आप ब्लॉग नहीं बना रही, तो आज हमने सोचा कि हम ईद का ब्लॉग बनाते हैं। ईद मुबारक जी। तो अभी मैं जाती हूँ शूट पे जल्दी जल्दी से, फिर मैं जो प्राइम से मुझे ईदी भी ले रही है, तो देखते हैं हमें कितनी ईदी मिलती है आज टोटल। एज यूजुअल शूट के लिए चलते हो चुके हैं लेट, और यहाँ पे लाइट भी तकरीबन हमारी चार ये ब्रह्म आया लेट, खुद ये तैयार शैर होकर आए, और मैं कब से तैयार होकर बैठी एक घंटा में वेट किया। असल में आप सबको पता है कि मतलब थोड़ा बंदा क्या ईद की नमाज पढ़ के सारी रात जाग रहा होता है, मतलब फिर रहा होता है, घूम रहा होता है, पता है हम लड़के फिर नमाज के बाद डायरेक्ट सो जाते हैं ना, तो इस वजह से पता ही नहीं चलता यार क्या काम पर है काम पर नहीं है, इस वजह से। तो इंशाल्लाह लड़कियां तो कोई काम करती नहीं है, वो तो जागती नहीं है। लड़कियां तो वो तो शुरू से सो रही होती है, उनको तो नहीं नमाज पढ़ने जाना ही नहीं होता, हमें तो नमाज पढ़ने जाना होता है, ईद मुबारक देनी होती है सबके साथ, तो इस वजह से फिर लेट हो जाता है, फिर ईदी शरीफ बहुत बोर कर रहा है ना, एक राइट पे समझ सकते हो हम लोग को। हम अपने लोकेशन पे पहुंच गए 2 घंटे के बाद, और यहां पर थोड़ा मुंह बना हुआ है क्योंकि उनको ये कहना है कि मैं हमेशा लेट होता हूँ, तो लेट नहीं होता हूँ मैं, जब भी लेट होता हूँ तब अच्छा शूट होता है, तो ये समझ नहीं आता इनको। तो हेलो, आप एटीट्यूड कोई बात नहीं, हम शूट करेंगे फिर मन। ऑलमोस्ट डन, और अंधेरा हो गया है, मेरे टिकटॉक्स वगैरह नहीं बनी जो घर पे बनाएंगी, बस वही देखने को मिलेंगी। सो इतना कोई ख़ास ईद का हमारा दिन नहीं था, एज़ यूजुअल मेरा तो ईद का दिन अच्छा नहीं गुजरता। सो अभी ईदी लेनी बाकी है, घर वालों से भी लेनी है, और इब्राहिम से भी ईदी लेनी है, तो लेट्स सी हमें कितनी ईदी मिलती है। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं मंदी हाउस, और तूफान है मंदी का नाम प्रमोशन, सॉरी सॉरी, बस बिरयानी खानी है, सही बोलो ना, मंदी खान, मंदी खाना है बस। अभी तो अभी भी नाराज है, पता नहीं हमसे क्यों इतने नाराज होती है यार, आप क्यों इतना नाराज होते हो मुझसे? नहीं वैसे एक बात बोलो, प्यार भी बहुत है मेरे से, नाराज तो होता रहता है, ये तो हर शौर दुनिया भी तुम। मुझे भूख लगी, ईद ही अभी बाकी है, तुमसे मैं लूंगी, मैं समझा, मैंने सोचा नाराज अभी ईद ईद कुछ नहीं होगा, नाराज की अपनी जगह ईद ही अपनी। नहीं ये कौन सी बात है, नहीं ये कौन सी बात है, कौन सा ईद रोज रोज आते हैं? अच्छा वाह, तीनों दिन लूंगी मैं, पहले तीनों दिन ईद किसने मांगा, एक ही दिन ईद होती है। नहीं अगर मैं, खैर मैं आपके लिए ईद लेकर आया हूँ, बहुत अच्छी वाली सरप्राइज दूँ, यहाँ पे बहुत बोरिंग हो रहा है, वो भी एक ही जगह, कौन सी ऐसी जगह, क्या व्लॉग जैसे ये है, क्या व्लॉग क्यों नहीं बनाऊं, मैंने सोचा नाराज हो गई, कोई ईदी नहीं कहेंगे चलो घर चलते हैं बस छोड़, वो है ना नाराज हो जाती ना कहीं घर से चलो घर चलते हैं छोड़, लेकिन इन्होंने ईदी अभी भी मांगनी है यार, अगर ईदी ना दू तो को नहीं चल, बिल्कुल मतलब बिल्कुल कोई ऐसी थोड़ा सा गुजारा कर लें, फिर भी गुजारा कर ले। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा तोहफा अभी इतने सारा चीजें मंगाएगी, मलाई बूटी मंगाएगी, इतनी सारी चीजें मंगाएगी, हम पेट भर के खाएंगे, क्या तोहफा हमारे ऊपर खर्चा कर रही है, पहली बात एक बीबी एक छोर के ऊपर कर रही है, तो ये जब हमने देखा तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या सिर्फ और सिर्फ एक मंदिर, जितना खाया उतना ही मंगाया, सिर्फ इतना बस, मैं ये तो आप सारा खा लोगे मुझे पता है, ठीक है
मेरे लिए कुछ इतना सारा चीजें मंगाई हुई है आपने इतना बस इब्राहिम क्या कर रहे हैं जिसको आपको फर्ज है ईदी देने चले चले जाने दो बीवी है मेरी क्या एक ही बीवी है दो चले ईदी दे ईदी आप ईदी 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 मैं आपको अगर एक चीज ईदी की जगह तो ईदी ना मतलब ईदी होगी ना आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ नहीं नहीं आंखे नहीं खोल लिया आपने अपने आंखे खोल नहीं कहा से लाएगी रिंग नहीं है यार क्या हो गया तुम अपना यार ये क्या मतलब है एक ही बात है मैं ईदी भी दूंगा ईदी एक दिन करेंगे आज ये दिया कल के दिन ईदी दूंगा परसों 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 आप मुझे ईदी देना चलो ठीक है डन हो गया इधर मैं आपको पहना एक तो निकाल लेते फिर पहना दे क्या निकाला हुआ है ना इसको पहनाना नहीं आता मुझे लग रहा अंदर करो ऐसा हाँ सही है हाँ सही जा रहा हूँ मुझे क्या बताओ मुझे दिख थोड़ी रहा है यार मैं क्या कर रहा हूँ कहीं और वो नहीं करते ये, ये, एक मिनट मैं पहना रहा हूँ मैं पहना रहा हूँ रास्ते में रख के मेरा घर आ गया था मैंने कहा मैं क्लिप बना लूंगी यार ये गया नहीं कैसे चला गया हो गया एक मिनट मुझे दिख नहीं रहा मैं कैसे चेक करूं एक मिनट ना नहीं गए नहीं गिर जाएगा अल्लाह रुको मैं पहनती हूँ अच्छा तुम पहनो एक मिनट इधर तो दिया ये क्या कर रहे हो तुम ये वाला देखो पूरा ऐसे अंदर जाता है कान एंड देन बंद करते हो नहीं जाएगा तो भी गया ये गया एंड देन आउट है हो गया तैयार सही है यार ये मुझे बड़ी लग रही थी छोटी क्यों लग रही छोटी मंगवाई होंगे ना इसलिए छोटी लग रही है फोन में बड़ी लग रही थी ये कह रहा खुद नहीं ली कहाँ से ली है तो चेंज करा लो चेंज नहीं हो सकती ली कहाँ से ये बताओ हो सकते कहाँ से ली है कहाँ से ली है यहाँ की दुबई से मंगवाई नहीं नहीं यार चीज दुबई से नहीं होती क्या छोटी बोला अरे कहाँ हो गया यार इसे लिए थैंक यू सो मच आपने मुझे इतनी अच्छी सी ईदी दी खुद ही को आपको समझ नहीं आ रही कि मैंने ईदी दी है खुद ही कहनी है तो छोटी है दिखाओ कैसे लग रही सर ये तो नॉर्मली पहन ले ना हाँ नॉर्मली पहन ले तो थैंक यू सो मच ईदी अब मैं आपको ईदी नहीं करने पाऊंगी तीसरे दिन होंगे गाइस ये हमारी ईदी सो अभी घर वालों से भी ईदी लेना बाकी वहाँ पे भी चले जिनको कह देते हैं यहीं पे बाय बाय तो बारी होती है घर वालों से ईदी लेने की सबसे पहले इस छोटे वाले भाई ने बोला कि मैं तुम्हें ईदी दूंगा तुम्हारा ये भैया कैसा आ रहा है हाँ ईद पे कोई ऐसे आता है आदमी बच्चा रात को मेहनत करके आया था खूब सारे पैसे कमाए ये देखे इतनी अच्छे आप है नहीं जितनी आप कोशिश कर रहे हैं चले आप जो है ना ईमानदार ये भाई इन्होंने दिए ये देख लो रख लो मैं वापस नहीं करूँगी इसी के पैसे तुम्हारे पैसे हैं या घर वालों के पैसे उठाने चलो चलो पक्की बात है पक्की बात है नहीं चाहिए चलो भाई पहली ईदी आ गई है 5,000 रुपए की नहीं दूसरी ईदी थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया आपका 1,000 रुपए आपको दूंगी अब मैं
चले भाई बहुत शुक्रिया। अभी दो लोगों तीन लोगों से ईदी लेना बाकी, एक ईदी रह गई। इन्होंने कहा मैं भी ईदी दूंगी, तो मैंने कहा जल्दी से कैप्चर कर लूं। लाए भाई, ले आए जल्दी, ले आए, इधर शर्मा ही नहीं आए, जल्दी जल्दी आए। ईदी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ईद मुबारक आपको, बहुत सीधा हाथ में लाइए, ज्यादा फ्री नहीं हुआ। चले ईदी दे, ईदी दी पहले आप दे, आपको भी तो देनी है। मैं आपको सबको टोटल जमा करके पैसा जो है वो ईदी दूंगी, आप लोग दे। अरे भाई मैं दूंगी, भरोसा नहीं है, ये बहुत ईदियाँ मांगती हैं। चले भाई, ये पहली दूसरी ईदी आ रही। अरे 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, 10,000 कितने हो गए? 15,000 रुपए टोटल घर से हो गए। अभी भी तीन लोग बाकी हैं। भाई से भी ईदी लेनी है, इससे पहले वो तैयार हो के बाहर भाग जाए। मेरा टारगेट है ईदी लेना, क्योंकि भाई ईदी नहीं देते आसानी। अब बारी आ रही हो जाए फैशन। अरे भाई गए, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। ईदी 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 बात पॉइंट टू पॉइंट करेंगे हम, लंबी भी करेंगे। ईदी चाहिए, ईदी सोने नहीं देते ये लोग, मुझे पता मैंने पहले ही लिफाफे बना लिए। इसमें है किसमें? हाँ इतने सारे क्यों भाई, मैं तो एक ही हूँ और मम्मा बहन भी तो हैं। अच्छा चलो चलो चलो, लाओ लाओ मेरी तो दे दो भाई। मुझे देखो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बार्गेनिंग नहीं करनी मैंने। फिक्स है हमारी, हर साल फिक्स है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारे भाई के साथ, 5 साल तक यही ईजी मिलेगी। अभी ज्यादा नहीं चाहिए, मैंने ज्यादा डाल दी थी। अरे 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 आप नहीं आप थैंक यू सो मच। मेरे लिए पापा कहाँ? खाली तो नहीं है, मेरा कहाँ है? एक मैं खोल के दिखाया आप, नहीं खाली है। ट्रस्ट इश्यूज भाइयों, बस आने से ड्रेसिंग करना चाहिए। कितने हैं? बस बस बस, इसी को कुछ शर्म नहीं आती है, शर्म आती है नहीं आती है? लाओ दो काउंट तो कर ले। चलो काउंट करो जल्दी ले यार, एक साथ काउंट करेंगे ना बाद में। 30, 40, 50 सारी कमाई मुझे ही दे दी। नहीं अभी मम्मा की भी रहती है। हाँ चलो 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 चलो, थैंक यू सो मच भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा लिए वैसे मैं आपको 5,000 रुपए दूंगी। टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, गरीबों बैठ जाओ लाइन लगा के, आप सब बैठ जाओ, देंगे देंगे इसको तो। इसके तुम तैयार नहीं हुए, तुम्हें ईदी नहीं मिली, भागो यहाँ से। जो तैयार होगा उसी को मिलेगी। मैं तैयार हुआ था, मैं तैयार हूं। जो तैयार होगा उसको ही मिलेगी, चलो भागो। A few moments later. हम तैयार नहीं हुई तो वो सामने नहीं आ रही। उन्होंने कहा सिर्फ मेरा हाथ लेना, सिर्फ हाथ, कोई बात नहीं, हाथ से ईदी लेना। लो बिट्टू थैंक यू सो मच, इसमें सलाम करो। ओ सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी ईदी रह गई, उल्टा हाथ मिला रही हो तुम, सीधा सब लोग पकड़ा हुआ है ना। खैर मम्मा से ईदी मिल गई, थैंक यू सो मच मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ओके बाय। गाइस तो अब हमारा जो वक्त आ गया है पैसे काउंट करने का, कि आज हमें टोटल कितनी ईदी मिली, बाकी हम काउंट करेंगे अगर मिली तो, अल्लाह जाने। वैसे लोग अभी ईदी देते हैं, तो ये पहले थे एक 5,000 भाई ने दिए थे, छोटे वाले जो बनियान में था, 10,000 रुपए सिस्टर ने दिए, तो 15,000 हो गए। ये एक एनवेलप दिया है भाई, ये भारी एंड में काउंट करेंगे। अम्मा का है, अम्मा ने दिए हैं मुझे 15,000, थैंक यू सो मच मम्मा। भाई हम ये शो ऑफ नहीं कर रहे, बस ऐसे ही काउंट कर रहे हैं कि भाई कितनी ईदी मिली है आज के हाथ पर। इब्राहिम ने तो ये दिए थे, आप लोगों ने देख लिया था, अब इसके पैसे नहीं पता मुझे के 10, 20 ज्यादा दिए, 30 गलती से दे दी है, 40, 50, 55,000 रुपए उसे अपने ईदी दिए भाई। ये मेरे भाई ने 50,000 रुपए दिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जीते रहो, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे 50, 30 और 50 कितने हो गए, 60, 70, 80,000 रुपए बैठे बैठे कमा लिए। देखा आपने, ये होता है जब आप घर में लाडले हो ना तो ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। तो ये व्लॉग हम यही पेंड करते हैं, मुझे अच्छा लगा होगा, और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को कितनी ईजी मिली। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ओके बाय।